प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। हमारी धन्यवाद है, शुभकामना है। हम न उस दौड़ में थे, न में कोई लेना देना था। विन्ध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो लड़ाई मैं लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक विन्ध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण नहीं होता। मैहर जिला बना है, विन्ध्य प्रदेश भी बनेगा। पर मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, उन नेताओं को जिन्होंने मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी की। यदि इतने सीनियर बुजुर्ग लोग, सांसद और पूर्व वर्तमान मंत्री को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, तो मुरली मनोहर जोशी जी और सम्माननीय आडवाणी जी का अपराध क्या था? उनको क्यों किनारे कर दिया गया? ये भी सोचनीय विषय है। जब सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधायक सरपंच का फिर चुनाव लड़ने लगे, युवा राष्ट्र युवा देश की कल्पना करने वाले इन बुजुर्गों को लोकसभा से विधानसभा भेज रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस तरह में तो और तमाम लोगों को मध्य प्रदेश में भेज दिया जाए, वो लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़े, सभी लोगों को पढ़ा।